तीसरी लहर यदि आई तो उसका व्यापक असर बच्चों पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। जहां इसी को देखते हुए चाचा नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर और नवीन लिफ्ट का लोकार्पण किया गया। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। जहां इसी को ध्यान में रखते हुए चाचा नेहरू अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर और नवीन लिफ्ट का निर्माण करवाया गया। वहीं इसके शुभारंभ अवसर पर मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय और संभागायुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा मौजूद रहे। वाकई में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी बहुत चिंतित हैं। जो कोरोना की सेकेंड वेव में हम सब लोग परेशान हुए, सभी लोगों की चिंता है कि चाचा नेहरू अस्पताल में व्यवस्थाएं बहुत ही दुरुस्त हो, क्योंकि बड़ों का दर्द तो लोगों ने फिर भी सह लिया, मगर बच्चों पे अगर आ जाती है तो किसी भी बच्चे पे आती है तो सबका दिल एकदम दहल जाता है। इसलिए बच्चों के मामले में बिल्कुल भी हम लोग कोताही ना बरते, ऐसा सबका मत है और लगातार वो चिंता करते आए हैं इस अस्पताल में कि यहाँ पे व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाए, लिफ्ट ठीक हो जाए। थैलेसीमिया की वो बहुत चिंता करते हैं, क्योंकि बहुत गरीब गरीब परिवार के बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं और असंख्य मतलब कोई लिमिट ही नहीं है कितना खर्चा लगता है, फिर भी ठीक नहीं होते, इसलिए उसकी बहुत चिंता थी। मुझे आज बहुत खुशी है, जब कोरोना के दौरान यहाँ पे तो कोरोना पेशेंट एडमिट थे, उसके बावजूद हम लोगों ने दौरा किया, क्योंकि वाकई में हम लोगों की ये चिंता थी कि बच्चों के लिए यहाँ पर कम से कम सुविधाएं दुरुस्त हो जाना है। सांसद शंकर लालवानी की माने तो चाचा नेहरू अस्पताल को 3 उपलब्धियां मिल रही है, जिसमें सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस के साथ ही थैलेसीमिया डे केयर सेंटर और नवीन लिफ्ट का लोकार्पण किया गया है। सभी के सानिध्य में आज 3 उपलब्धियां मिल रही है चाचा नेहरू हॉस्पिटल में। एक तो सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस में वो सभी सुविधाएँ जो कि आवश्यक होती है इमरजेंसी के लिए, और संभवतः किसी शासकीय अस्पताल में यह पहली एम्बुलेंस है जिसमें इतनी सुविधाएं हैं, उसका आज लोकार्पण हुआ। और ये एक जन भागीदारी मॉडल से बनाया गया है, जनता के सहयोग से बनाई गई है। दूसरा आज थैलेसीमिया वार्ड जिसमें 25 बेड का भी लोकार्पण हुआ है, और थैलेसीमिया में जिस प्रकार के बच्चों को आवश्यक जो भी ट्रीटमेंट रहता है उसकी पूरी व्यवस्था यहाँ रहेगी। अभी तक एमआई में ऊपर होता था लेकिन इसका अलग सेपरेट वार्ड बना दिया गया है। और तीसरा, यहाँ हमने देखा जब हम कोविड में माननीय मंत्री जी और विधायक जी दौरा करने आए थे, तब हमें लगा कि इसमें लिफ्ट नहीं है, तभी माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि इसमें तुरंत लिफ्ट लगाई जाए। आज वो लिफ्ट भी लग गई है, वो भी जनता को समर्पित की है। मंत्री तुलसी सिलावट ने इन 3 सुविधाओं के लिए शहरवासियों की ओर से सांसद शंकर लालवानी और विधायक आकाश विजयवर्गीय का आभार जताया। हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर जी ने, आकाश जी ने जो ये सौगातें चाचा नेहरू अस्पताल में दी है, क्योंकि शंकर जी का भी बड़ा कोशिश, हमारे विधायक जी आकाश जी का प्रयास था थैलेसीमिया के लिए, वार्ड के लिए, लिफ्ट के लिए और ये एम्बुलेंस सर्व सुविधा युक्त, इन 3 चीज़ें के लिए मैं इंदौर की जनता की ओर से सांसद जी और विधायक जी को धन्यवाद देता हूँ। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों के साथ ही अस्पताल से जुड़ा नर्सिंग स्टाफ लोकार्पण कार्यक्रम में मौजूद रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।